हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टर क्रिएशन प्रोसेस और उसको कस्टमाइज कैसे करें वो देखा, तो उसकी लिंक्स आपको कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप अपनी NFT का एनिमेशन कर सकते हैं Adobe Animate में। तो इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटीज में ज़्यादा ना जाते हुए एनिमेशन प्रोसेस का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरह किसी भी एनिमेशन या एक्शन को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर के मेन लेयर की मूवी क्लिप के अंदर जाएंगे, जहां पर हमें कैरेक्टर के सारे पार्ट्स अपने इंडिविजुअल लेयर्स में मिल जाएंगे। हमारा मेन एनिमेशन हम इसके अंदर करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस कैरेक्टर को सिंपल सा जंप करवाने वाला हूँ, तो इसकी बेसिक एनिमेशन स्टाइल थोड़ी बाउंसिंग बॉल जैसी रहेगी, जिसमें एनिमेशन के काफ़ी सारे बेसिक फंडामेंटल्स कवर हो जाते हैं। तो अभी मुझे जितना लंबा जंप का एनिमेशन रखना है, मैं उतनी की फ्रेम सिलेक्ट करके अपने सारे लेयर्स की टाइमलाइन को वहां तक एक्सटेंड कर दूंगा F5 प्रेस करके। अभी जंपिंग एक्शन की मेन इवेंट्स जहां जहां आ सकती है, वहां वहां हम F6 प्रेस करके नई की फ्रेम्स डाल देंगे और उन की फ्रेम्स पर अपनी एक्शंस के अकॉर्डिंग पोजेस बनाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पोज रहेगा स्टैंडर्ड आइडल पोज, जहां पर कैरेक्टर सिंपली बैठा हुआ है। सेकंड पोज के लिए मैं कैरेक्टर को थोड़ा स्क्वॉश करूंगा, जिससे लगेगा कि कैरेक्टर जंपिंग एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। थर्ड पोज रहेगा जंप, जिसमें हम कैरेक्टर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और उसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, जिससे कैरेक्टर का फोर्स, डायरेक्शन और एक्शन की इंटेंसिटी का पता चलेगा। नेक्स्ट पोज के लिए हम कैरेक्टर को हवा में थोड़ा स्टेडी करेंगे और उसके बाद के पोज में उसको वापस नीचे ले आएंगे थोड़ा स्ट्रेच करके, जिससे कि उसमें ग्रेविटी वाली फील आएगी। और उसके बाद हम उसका ग्राउंड टचिंग पोज बनाएंगे, पर ग्राउंड पे इम्पैक्ट दिखाने के लिए हम उसे थोड़ा स्क्वॉश कर देंगे। और उसके बाद की कुछ की फ्रेम्स के लिए कैरेक्टर को ग्राउंड पर ही रख के माइनर सा स्ट्रेच और स्क्वॉश का मोशन देंगे, जिससे कि बाउंसी इफेक्ट दिखे। और लास्ट फ्रेम को सेम एज फर्स्ट फ्रेम रखेंगे और इस तरह से हमारा एनिमेशन का लूप तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ अभी हमारा एनिमेशन का पार्ट डन हो गया है। कुछ माइनर एडजस्टमेंट के बाद अभी हम फन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप अब तक इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हमने अपनी सारी एसेट्स अपने इंडिविजुअल पार्ट्स में बना कर रखी है। तो अब हमें अगर कैरेक्टर का कोई भी पार्ट बदलना है, तो वो हम इजीली फ्रेम पिकर टूल से कर सकते हैं। और वो पर्टिकुलर पार्ट हमारे पूरे एनिमेशन में सिंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैरेक्टर का फेस अंदर की एसेट्स बदल के चेंज करता हूँ, तो मुझे सेम फेस के साथ एकदम अलग कैरेक्टर मिलेगा और वो भी पूरा एनिमेटेड। हमें बस जो भी बॉडी पार्ट्स, एसेट्स या एक्सेसरीज बदलनी है, हमें बस उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर जाकर उसको सिलेक्ट करना है और हमारे कैरेक्टर और उसका एनिमेशन हमें सीधा उस चेंज के साथ दिखाई देगा। बस आपको जैसा भी कैरेक्टर जो भी पार्ट्स के साथ चाहिए, उस तरह से उसको कस्टमाइज कर देना है और आपका टोटली नया कैरेक्टर अपने एनिमेशन के साथ रेडी टू एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स जनरेट करके आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो कैरेक्टर के अंदर जाकर सभी पार्ट्स में से अलग अलग फीचर्स सिलेक्ट कर लेते हैं और एक नया कैरेक्टर जनरेट करते हैं, और साथ में उसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं वेरिएशन के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, और आप देख सकते हैं कि सेम एसेट्स जो हमने सिलेक्ट की थी, उसके साथ हमारा पूरा एनिमेशन रेडी है। तो अभी इसको एज अ GIF एक्सपोर्ट कर लेते हैं
और ये हो गया हमारा फर्स्ट एनिमेटेड कैरेक्टर तैयार। और इसी तरह नई एसेट सिलेक्ट करके नया एनिमेटेड कैरेक्टर जनरेट कर लेंगे और उसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कुछ और कैरेक्टर्स भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और यहां पर मैं एक कैरेक्टर को थोड़ा और भी यूनिक बनाने के लिए उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट्यूम में भी थोड़ा चेंज कर देता हूं और उसको बैकग्राउंड भी थोड़ा अलग दे देता हूं, जो कभी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा स्पेशियल कैरेक्टर भी जनरेट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बस इतने ही वेरिएशंस एक्सपोर्ट करने वाला हूं, मगर अगर आपको और भी वेरिएशंस चाहिए तो आप जितने भी चाहे उतने कॉम्बिनेशंस बनाकर उसको बहुत ही इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत चीजें कुछ हद तक क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से आप अपना खुद का कैरेक्टर बना और उसको एनिमेट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड फन एनिमेशंस के लिए। एंड एज ऑलवेज, हैप्पी क्रिएटिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।